गुजरात चुनाव प्रचार अभियान में भले ही कांग्रेस ज्यादा नजर ना आ रही हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो लगातार प्रचार में बने रहने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आगरमालवा में रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने श्रीराम के नाम पर बीजेपी आरएसएस को एक नसीहत दे डाली। गुजरात चुनाव प्रचार में वैसे तो कांग्रेस दिख नहीं रही है, लेकिन इन चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का कोई मौका चूक भी नहीं रही है। भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में है, लेकिन राहुल वहीं से बीजेपी आरएसएस पर हमला कर रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आगरमालवा में रैली कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस जय श्री राम तो करती है, लेकिन जय सिया राम और हे राम नहीं करती। जब गांधी जी कहते थे हे राम, ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। का मतलब क्या था? राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीके का तरीका था। राम सिर्फ एक भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक जिंदगी जीने का तरीका था। पंडित जी ने मुझे पूछा, मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्रीया राम और हे राम क्यों नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिया राम इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उनके संगठन में महिला नहीं है। राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। सही, ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। इस दौरान राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को एक दूसरे से लड़ाती है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं। देश में जब भाई भाई की लड़ाई होती है तो फिर देश का क्या होगा, फायदा या नुकसान? एक तरफ कहते हैं हम नेशनलिस्ट हैं, हम देशभक्त हैं, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हैं। कुछ भी कर लो आप, मध्य प्रदेश के युवाओं को, बाकी हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये इनके जो 2-3 लोग हैं, मित्र हैं, ये हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दे सकते हैं। गुजरात चुनाव में कांग्रेस फिलहाल प्रचार मैदान में तो कम दिख रही है, लेकिन अपने आप को इस लड़ाई में दिखाने का वो कोई मौका चूक नहीं रही है। हालांकि राहुल गांधी का यूं दूर दूर से बीजेपी पर हमला करना कितना मददगार साबित होगा, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।